हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, नाम तो सुना होगा आपने, ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य समस्या बन चुकी है, यानी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम एक तरीके से बन चुकी है। और हाँ, मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल को ज़्यादा मोटापे की शिकायत रहती है अगर देखा जाए तो रियल वे में, क्योंकि एक रीज़न ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के साथ भी उनको अपने लाइफ को जोड़ना पड़ता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी बॉडी में फैट आने लगता है और काफ़ी सारे बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस भी होने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से शरीर में लेडीज़ों को यानी महिलाओं को फैट जल्दी लग जाता है और ओबेसिटी का वो शिकार हो जाती हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, 5 किलो अगर वेट कम या ज़्यादा है तो हमेशा उसको हम एक नियंत्रण लाइन में लेकर चलते हैं, यानी कंट्रोल लाइन में लेकर चलते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वेट बढ़ चुका है तो इसका मतलब आप ओबेसिटी का आप शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या है, अगर किसी मेल की हाइट है 5 फीट 6 इंच तो उसका परफेक्ट वेट माना जाता है 62 kg। बट अगर इसी में महिलाओं को देखा जाए सेम हाइट में तो उनका वेट 60 kg परफेक्ट माना जाएगा। तो अब आप अपने इस हाइट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वेट कितना है और कहीं आप ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो कि बहुत हद तक हेल्पफुल है अगर आपको प्रॉब्लम है ओबेसिटी की। और इसके साथ साथ मोटापे के कई सारे रीज़न होते हैं, कुछ में जेनेटिकली भी आ जाता है और इसके अलावा थायराइड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसका डिसबैलेंस हो जाना, या आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा फैट देखने को मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या ओवर फूड की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करनी है हमें लाइट एक्सरसाइज से। उसके लिए हमें क्या करना है, बैठ जाएंगे मैट पे, लेग्स को खोलते हुए ध्यान रखेंगे जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लाइट एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अपने टोज को रोटेट करते हुए आएंगे, राइट साइड से रोटेट करना है 10 राउंड, फिर लेफ्ट साइड से टोज को रोटेट कर लेंगे। उसके बाद धीरे से लेग्स को शेक करेंगे, सिंगल सिंगल लेग्स आएंगे अप एंड डाउन करते हुए, इस तरीके से एक अप एक डाउन इस तरीके से जाएगा। तो इसको भी आपको 10 राउंड कर लेना है। अब यहीं से दोनों लेग्स आएंगे, इनहेल अप डाउन, सांस को भरते हुए पंजों को ऊपर ले जाना है, छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। इस तरीके से बड़े प्यार से आपको करना है टोज रोटेशन, धीरे से लेग्स को शेक कर लेंगे। अब यहीं से आपको आना है शोल्डर रोटेशन के लिए, अपने शोल्डर्स को ग्रिप कर लेंगे, इस तरीके से रोटेट करते हुए आना है। 10 राउंड में आपको क्लॉक वाइज कर लेना है, उसके बाद आपको 10 एंटी क्लॉक करने का। ध्यान रखें कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लाइट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हैंड्स रोटेट कर लेंगे, आप हाथों को खोलते हुए अच्छे से रोटेट कर लेना है। 10 राउंड आपको क्लॉकवाइज, फिर यहीं से 10 एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आना है। हाथों को इंटरलॉक करते हुए यहीं से आप ले जाएंगे, साइड ट्विस्ट करते हुए आना है, 1 चेंज इस तरीके से आपको चेंज करते हुए आना है। फिर धीरे से 10 टाइम वन साइड होल्ड करेंगे, फिर चेंज करते हुए 10 टाइम दूसरी साइड से होल्ड करते हुए आना है, फिर धीरे से आपको रिलैक्स कर देना है। तो देख लेंगे, इसके बाद आएगा आपका नेक रोटेशन, आप ये नेक को रोटेट करते हुए आएंगे। ध्यान रखेंगे रोटेशन करते हुए आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। फिर यहीं से एंटी क्लॉक वाइज लेके आएंगे, आप लेके जाएंगे सांस को भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे की ओर गर्दन को लाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ छोटी सी लाइट एक्सरसाइज। अब यहीं से क्या करना है, अपने पैरों को खोल लेंगे, शेक कर लेंगे, आना है सबसे पहले आपको चक्की चालन के लिए, मैट के आगे आ जाना है। ध्यान रखेंगे लेग्स को खोल लेंगे, मैट के बराबर आपके लेग्स में गैप रहना चाहिए। यहीं से हाथों को इंटरलॉक करके पूरा फॉरवर्ड आना है, पूरा बैक जाना है, इससे पूरा प्रेशर आपके स्टमक पे आएगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ साथ में आएगी। तो स्टार्टिंग आप चक्की चालन से करेंगे, इस तरीके से आपको 10 राउंड क्लॉक वाइज करना है, फिर 10 आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर धीरे से कर लेंगे रिलैक्स, लेग शेक कर लेंगे। अब यहीं से क्या करना है, अपने लेग्स को खोल लेंगे इस तरीके से, अल्टरनेट हैंड को अल्टरनेट लेग से टच करते हुए जाना है, फॉरवर्ड शेक कर लेंगे इस तरीके से, अच्छे से शेक करते हुए जाना है
अपनी बॉडी को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड ले जाने की। धीरे से वन साइड होल्ड। इसमें आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से मैंने शेक करके बताया आपको 40 राउंड शेक करना है। उसके बाद 10 राउंड आपको राइट साइड होल्ड करना है, फिर 10 राउंड आपको लेफ्ट साइड होल्ड करते हुए आना है, फिर धीरे से लेग्स को शेक कर लेंगे। अब यहीं से आएंगे हम बटरफ्लाई के लिए। दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ते हुए अपने पंजों को ग्रिप कर लेंगे। अब यहीं से अपनी थाइस को शेक करना है इस तरीके से। बटरफ्लाई करने के फायदे क्या होते हैं, आपकी जो थाइस है ये थाइस भी फ्लेक्सिबल होती है और साथ में थाइस का फैट बहुत जल्दी जाता है, आपके बटक्स एरिया का फैट चला जाएगा जल्दी, साथ साथ में आपके पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाने में हेल्प करता है। इस तरीके से आपको शेक करना है 2 मिनट तक, कंटिन्यूस आपको 2 मिनट तक करते हुए आना है। मैं आपको दिखा रही हूँ शॉर्ट वे में ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और साथ में आप अच्छे से एक्सरसाइज को कर सकें। अब यहीं से दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आप ले जाएंगे इनहेल, फॉरवर्ड आना है, कोशिश करनी है अपनी चेस्ट को फीट से लगाने की। अप डाउन अप डाउन, यहीं पे 10 राउंड शेक करते हुए होल्ड करना है, धीरे से अप करते हुए रिलैक्स कर लेंगे, लेग खोलेंगे शेक कर लेंगे। अब यहीं से आपको आना है प्लैंक की पोजीशन में। इस तरीके से प्लैंक में आएंगे, पहले माउंटेन में जाना है आपको, माउंटेन में जाने के बाद यहीं से आपको आना है प्लैंक में, यानी बॉडी को आगे की ओर ले जाते हुए आएंगे इस तरीके से। इसको बोलते हैं प्लैंक पोज यानी दंडासन। यहीं पे आपको होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक, बिगनर्स यानी ओबेसिटी वाले। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो ऑटोमेटिकली 20 सेकंड तक आप होल्ड कर पाओगे। धीरे से रिलैक्स डाउन। अब आपको सेम पोजीशन में आना है अपनी एल्बोज को डाउन करते हुए लो प्लैंक में, हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब यहीं से फ्रंट आना है, फर्स्ट राउंड में आपको शेक करते हुए आना है इस तरीके से, बटक्स को आप डाउन इस तरीके से शेक करना है, फ्रंट बैक। प्रेशर बहुत अच्छा दोस्तों आता है इससे स्टमक पे और साथ में हमारे शोल्डर्स एरिया में, यानी शोल्डर के फैट को, हैंड्स के फैट को कम करता है, स्लिम बनाता है और स्टमक के फैट को भी काटने में हेल्प करता है। यहीं पे आपको होल्ड करके रखना है, स्टार्टिंग वाले 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे, फिर प्रैक्टिस में आते हुए 30 सेकंड होल्ड करना है, धीरे से रिलैक्स। अब यहीं से आएंगे हम वशिष्ठासन के लिए यानी साइड प्लैंक के लिए। इस तरीके से आपको माउंटेन में आना है, फिर यहीं से प्लैंक में आते हुए साइड प्लैंक में जाएंगे, दूसरा हाथ आसमान की ओर रहेगा, फिर यहीं से चेंज कर लेंगे। शेक करते हुए आना 10 राउंड तक आपको राइट साइड करना है, 10 राउंड आपको लेफ्ट साइड करना है, फिर यहीं पे होल्ड करते हुए आएंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करना है आपको अपने लेफ्ट साइड में, फिर चेंज करते हुए राइट साइड में होल्ड करेंगे, धीरे से रिलैक्स, लेग शेक कर लेंगे। अब यहीं से आएंगे हम माउंटेन की पोजीशन के लिए। मैं बहुत इजी एक्सरसाइज बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो और आप अच्छे से कर भी सकें। अब यहीं से माउंटेन की पोजीशन में आने के लिए बॉडी को थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाएंगे, लेग्स को आप उठा लेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे इस तरीके से, प्रेशर आपका स्टमक पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा। अब यहीं पे आपको होल्ड करके रखना है 15 सेकंड तक बिगनर्स के लिए, फिर प्रैक्टिस में आते आते 30 सेकंड तक लेकर आना है, धीरे से रिलैक्स। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम एक्सरसाइज बताई है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप अच्छे से उसका फॉलोअप भी ले सकें। तो दोस्तों ये वो सारी एक्सरसाइजेज जो एज अ बिगिनर आप कर सकते हैं, अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं या नॉर्मल भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत ही हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट अगर आपको इसी में एडवांस जाना है तो आप हर चीज़ की होल्डिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक सिंगल एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करते हुए आना है। जब आप एक एक एक्सरसाइज को 5 बार रिपीट करेंगे तब उसका बेनिफिट आपको अच्छे से मिल पाएगा, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। और साथ में दिन में 5 बार गर्म पानी ज़रूर लें, क्योंकि गर्म पानी लेने से आपकी बॉडी का फैट बहुत हद तक निकलता है और बॉडी में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्थी अपडेट्स हमारी वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।